मैं आपको आज एक ऑफर देके जा रहा हूं पॉलिसी में तो है आप सब मिलियनर बन सकते हो चश्मे बन सकते हो मैं कोई आपको मजाक करने के लिए नहीं कह रहा है लेकिन पार्टनर बनाना पड़ेगा ऊपर वालों को दोनों मिलके अभी तो पॉलिसी ऐसे ही है फैकल्टी कैन ऑल्सो बी इक्विटी होल्डर इन ए कंपनी दोनों अगर गुरु पुराने समय तो गुरु सेक्रीफाइस ही करता था शिष्य बढ़ जाता था अभी लेकिन नया बदल गया गुरु शिष्य दोनों को ही पार्टनर बनाना पड़ेगा अभी पॉलिसी में हमने दोनों को पार्टनर बनाया फैकल्टी परमानेंट है मैं जो फैकल्टी कहता हूं नॉट ओनली आई आई आएटी फैकल्टीज भुवनेश्वर में कम से कम एक हजार इंपोर्टेंट फैकल्टी है टैलेंट पूल है सारे फील्ड के सारे भुवनेश्वर में मैं इस शहर में पढ़ा हूं बढ़ा हूं मैं जानता हूं पर्सनली कई लोगों को एक हजार टैलेंट पूल है जिनकी सोच विश्व को प्रभावित करता है लेकिन इसकी इको सिस्टम बनानी पड़ेगी यह काम आईआईटी भुवनेश्वर की फैकल्टीज की है आप दरवाजा को खोलना पड़ेगा आप बाकी इंस्टीट्यूट की फैकल्टी को चाय पिलाना पड़ेगा आप उनके पास जाके चाय पीना पड़ेगा दोनों की जब दोस्ती होगी तब हमारे बच्चे किसी ने मेरे को सजेस्ट किया कि ये कॉमन हॉस्टल बनाते हैं इन दिनों में आई आई एम एम्स और आईआईटी भुवनेश्वर की एक एमओ हुई है कुछ डुअल डिग्री के लिए उन्होंने कहा हॉस्टल बनाते हैं दोनों के लिए किसी भी कैंपस में इधर या उधर दोनों बच्चे जब हॉस्टल से आएंगे क्लासरूम से आके हॉस्टल में रहेंगे तब तो रात तीन बजे तक आई कितने बजे रात को सोते हैं आप लोग ए, सच बताना दो बजे दो या तीन चार अब उठते कब हो चलो जितना बजे उठो तो आपके ऊपर है लेकिन आइडिया तो आएगा रात को दो बजे मैं इतना जानता हूं आइडिया आएगा रात को दो बजे जगना तो पड़ेगा तब तक लेकिन अगर मल्टी ऐसे ऐसे मैं कभी कल मेरे को आरपी सिंह ने बताया कि रात को आते तो रौनक और कुछ होता मैं जानता हूं कैंपस में रात पूरा रौनक भरा ही होता है ए, मेरे, मेरे निकालना मैं आइडियाज की रौनक कहता हूं न्यू इनोवेशन की रौनक कहता हूं और यहां एटमोस्फियर ऐसे होनी चाहिए उड़ीसा की सारे टैलेंट पूल की इच्छा होनी चाहिए मी सी द रिसर्च एंड इनोवेशन एंट्रोप्रीनियरशिप पार्क ऑफ आई आई टी भुवनेश्वर यहाँ में सारे इंडस्ट्री के लोगों को नरेंद्रन जी कम से कम आपका तो भाई आप तो हमारे बड़े पार्टनर हो टाटा वाले उड़ीसा में आप तो कम से कम मैं अनुरोध करूंगा आप कुछ भी करो आप यहाँ कम से कम दो महीने में एक बार आके पंद्रह बीस मिनट यहां घूम के तो जाओ हमारे यहाँ हेलीपैड भी है मैं सबको अनुरोध करता हूं इंडस्ट्री को यहां आना चाहिए प्रॉब्लम लेके आना चाहिए हमारे बच्चों में भरोसा करना चाहिए हमारी फैकल्टी पे भरोसा करना चाहिए उड़ीसा एक एग्रीकल्चरल बेस्ड स्टेट है जस्ट आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ आवर कॉलिग हु कम विथ आवर इन्विटेशन फ्रॉम एम एस ऑफ केनिया। वी आर टॉकिंग हाउ कैन डू वर्क टूगेदर सी से एरिया ऑफ एग्रीकल्चर वी कैन वर्क टूगेदर मित्रों मेरे बात पर भरोसा रखो आपकी स्टार्टअप की मार्केट प्लेस भारत नहीं ग्लोबल होने वाला है इमर्जिंग इकोनॉमी होने वाले हैं ग्लोबल साउथ होने वाला है इसलिए मार्केट की कोई चिंता नहीं है चैलेंज है मेंटोरिंग में इसलिए मैं अंत में उड़ीसा संबंधित मैं उड़िया नहीं कह रहा हूं उड़ीसा संबंधित जो लोग हैं जो लोग हैं सभी मित्रों को मैं अनुरोध करता हूं सब ओडिशा की इस हंड्रेड क्यूब की इनिशिएटिव पे अपना अपना पार्टिसिपेशन करने के अपना प्लान बनाए 2036 फिक्स है चिंतन ने सही कहा 2036 इज फिक्स वो तो 12 साल में आ ही जाएगा हंड्रेड लोग बन जाएंगे ये मेरा भरोसा है और जितना नहीं था कल रात की एआईसीटी की फायर सेड चार्ज से अभी तक मैं कन्विंस हूं और एग्जीबिशन दिखके पूरा कन्विंस हूं आ ही जाएगा लेकिन ये डीपटेक में आएंगे क्या क्या यहां की फॉरेस्ट प्रोड्यूस को वैल्यू एडिशन करके कुछ सस्टेनेबिलिटी के नए प्रोडक्ट बनाएंगे क्या हेल्थ केयर की कुछ नया चीज लाएंगे क्या इस प्रकार की जन आवश्यकता की क्या चीज ले आ पाएंगे इसीलिए मित्रों ये स्टार्टअप सिर्फ वेल्थ क्रिएशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये नेशन बिल्डिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है विकसित भारत के लिए अपना अपना योगदान देने की आप लोगों के ऊपर ये बड़ी जिम्मेवारी है आप एक ऐतिहासिक स्थान पे हो एक ऐतिहासिक क्षण पे हो जब दुनिया भारत को देख रहा है और मेरा पूरा भरोसा है ये हंड्रेड क्यूब की एक छोटी सी बेबी स्टेप से उड़ीसा का विकास तो होगा ही लेकिन देश की भी विकास होगा इसी शुभेच्छा के साथ आज सभी पार्टिसिपेंट सभी स्टेक होल्डर हमारी निमंत्रण पे यानी आईआईटी भुवनेश्वर के निमंत्रण पे आप सब इकट्ठा है बहुत-बहुत धन्यवाद यदि आपन को हम वीडियो टी भल लागिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करबा को जम्मा भी बोलंत तो नहीं